What's up guys, I hope you are doing well. I am Maz. Dear students, आज हम discuss करेंगे sexual reproduction. So, what is sexual reproduction? In sexual reproduction involves formation of male and female gametes. Male and female gametes mean कि आपका male gametes अलग बनेंगे, female gametes अलग बनेंगे, अलग अलग formation होगा. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं, यही फ़र्क है. ओके गाइज, अब या फिर वो आपका कुछ ऐसे भी आपके जो है ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर दोनों के अंदर एक ही के अंदर दोनों चीज़ें, फीमेल ऑर्गन भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है. जस्ट लाइक कॉकरोच में फीमेल एंड मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और दोनों गैमेट्स उन्हीं के अंदर एक ही के अंदर बनते हैं. ओके, इसी तरह आपका अर्थवर्म, उसमें भी फीमेल एंड मेल आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में होते हैं, बट ज़्यादातर में क्या होता है, अलग अलग होते हैं. ह्यूमंस को ले लीजिए, इसी तरह जितने भी नॉर्मली आपके मेमल्स हैं मोस्टली में क्या होता है, मोस्टली में अलग अलग फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. ओके गाइस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स. इट मीन वही आपको जो बताया कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बनना ही क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर क्या होते हैं, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं जिससे जाइगोड बनता है. ये इन्हीं जाइगोड से क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे सब में किसी भी तरह का हो, चाहे वो आपका उसका स्ट्रक्चर, उसका साइज कोई भी हो, लेकिन सब में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे, सब में फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न से जाइगोड बनेगा, जाइगोड से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा. ये इतनी प्रोसेस सब में होगी. हालांकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में ये प्रोसेस बहुत ही क्या है, स्लो प्रोसेस है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. क्योंकि क्या, बिकॉज फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, इसी की वजह से. अब जब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट है तो वो जो उसका ऑफस्प्रिंग रहता है, उसका जो बेबी रहता है, उसका जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो सेम रहता है अपने पेरेंट की तरह. बट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग अलग बने हैं, इसीलिए क्या होगा, एक एज कंपेयर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समान इसमें नहीं रहते हैं अपने पेरेंट से. कुछ भिन्नताएं भी रहती हैं, कुछ समानताएं भी रहती हैं. आप ये मान के चलिए कि 25% आपका मदर का उसमें रहता है समानता, 25% आपके फादर की रहती है और 50% उसकी यूनिक रहती है. अगर हम बात करें फिंगरप्रिंटिंग की, आपके आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को आएगा अगर आगे मौका मिलता है, तो आपका जो क्या होता है फिंगरप्रिंटिंग में आपका 50% यूनिक होती है जो पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में किसी से नहीं मिलेगी, बट 25% आपके फादर से, 25% आपके मदर से मिलेगी, मैच करेगी. ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने परसेंट यूनिक होती है आपके फिंगरप्रिंटिंग, तो 50% यूनिक होती है, 50% मैचिंग करती है. ठीक है, लेकिन आपके फादर और मदर से ही मैच करेगी. ओके, अब आगे चलते हैं. अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आपके, वो क्या करते हैं, ग्रोथ. ये तो है नहीं कि ऑर्गेनिज्म तुरंत आपके न्यू बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, ऑफस्प्रिंग है और वो आपका जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज पहुँच कर वो जनन कर सकता है, वो आपका रिप्रोडक्शन कर सकता है, ऐसा तो है नहीं. बल्कि क्या होंगे, न्यू बॉर्न बेबी होगा, वो क्या होगा, ग्रो करेगा, उसका ग्रोथ फेज चल देगा और ग्रोथ होने तक क्या होगा उसका, वो चलता रहेगा ग्रोथ फेज और वो युवा होगा यानी यूथ होगा. उसके बाद जब वो किसको मैच्योरिटी को पहुँचेगा, मैच्योर हो जाएगा, तब उसका रिप्रोडक्शन स्टेज आता है, तब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है. तो जो ये आपका जनन अवस्था यानी रिप्रोडक्शन स्टेज तक पहुंचने से पहले की जो एज होती है, जो आयु होती है, जैसे कि अगर हम बात करें इन ह्यूमन में 18 ईयर्स होती है. ठीक है, तो ये जो एज होती है, इस एज को हम ज्वेनाइल फेस कहते हैं, जबकि प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव फेस कहते हैं. ठीक है, और एवरी ऑर्गेनिज्म में ये फेज डिफरेंट होता है. ओके, आगे हम लोग चलते हैं. कुछ दिन क्या होता है, जब ये जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज का एंड हो जाता है, तभी क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव अवस्था स्टार्ट हो जाती है. और इसकी पहचान क्या होती है, अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, बड़े प्लांट्स की बात करें, उसमें क्या होता है,
आपके फ्लावर्स आने लगते हैं। फ्लावर्स आने का मतलब है कि उनका वो मैच्योर हो गए और उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो गई। इसी तरह अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो इसके अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो क्या करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को एक्टिव करते हैं। बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं, बहुत सारे हार्मोन निकलने लगते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एक्टिव हो जाता है। ओके, और ये भी अलग अलग वेरिएबल की अलग अलग ड्यूरेशन होती है। हर ऑर्गेनिज्म में, ये नहीं कि सब में एक ही जगह पर आ जाएगा, हर किसी में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट एज में ही आएगा। बस वो जब तक नहीं आएगा रिप्रोडक्टिव फेज, तक उसकी जो अवस्था या उसकी जो स्टेज कहलाएगी वो जुवेनाइल स्टेज कहलाएगी। और जुवेनाइल स्टेज के बाद जो फेज आएगा उसको हम कहेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव स्टेज। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं। अब बात द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट। अब क्या होता है, जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग तरह की आपकी रिप्रोडक्टिव फेज में अलग अलग तरह के चेंजेस आने लगते हैं। जितने भी आपकी फीमेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे लाइक अगर हम बात करें नॉन प्राइमेट्स में, लाइक काउज, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग, टाइगर, इन सब में क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस आने लगते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन साइक्लिक चेंज आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जबकि अगर हम प्राइमेट्स की बात करें लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस में, तो ये क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। तो गाइस इस टर्म को याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म हैं। अब आगे हम चलते हैं। अब जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाता है तो आपको क्या होता है, उस एज को हम क्या कहते हैं, ओल्ड एज कहते हैं। ठीक, अब ये ओल्ड एज क्या होती है, अब इसमें क्या होगा, क्यों ओल्ड एज हो जाती है, क्यों रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो जाता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो आपका सारी चीज़ें क्या होगी, हार्मोन बनना बंद हो गए, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें में कमी आने लगी, बॉडी में से न्यू आपके सेल्स बनना, न्यू आपके ऑर्गन, न्यू आपके जो डेवलपमेंट होता है वो बंद हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इस एज को हम ओल्ड एज कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये आपका आखिरी फेज होता है, इसके बाद क्या हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, या जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है उस फेज के बाद। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसका मतलब ये कि आप जितने भी आपके रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स हों या आपके प्लांट्स हों, सब में क्या होता है, एक समान तरह का कुछ फेजेस, कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं जो समान होते हैं, जस्ट लाइक गैमेट्स का बनना, ठीक है, फ्यूज़न, उसके बाद फ्यूज़न का आपका न्यू बॉर्न बेबी में या न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना, तो ये सब क्या है, अलग अलग तरह होगा, अलग अलग ड्यूरेशन रहेगी, लेकिन ये तीनों चीज़ें होंगी ज़रूर। इसीलिए इन तीनों चीज़ों का होना क्या कहलाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स कहलाता है। इट मीन्स जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ये तीनों फेजेज ज़रूर होंगे, भले ही अलग अलग टाइम के लिए हों, अलग अलग टाइम पर हों, लेकिन ये तीनों फेजेज कंपलसरी होंगे। ठीक है, तो मैच्योरिटी होने के बाद, आपका मैच्योर होने के बाद जब वो आपके रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज में प्रवेश कर जाता है, तो ये प्रोसेस होती हैं। इन प्रोसेस को जैसे द प्री फर्टिलाइजेशन फेज, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, जब आपका आपके मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बनने की अवस्था, बनने के फेज को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, भाई फर्टिलाइजेशन तब होगा जब गैमेट्स बन जाएंगे, गैमेट्स का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो आपका जब गैमेट्स बन रहे होते हैं, अलग अलग फीमेल में अलग बन रहे हैं, मेल में अलग बन रहे हैं, लेकिन ये आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योर हो चुके हैं आप, आपकी जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल फेज खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, देन ये फेज क्या कहलाता है, प्री फर्टिलाइजेशन। क्योंकि क्या है, अब आप मेच्योर हो गए और आपके अंदर क्या बन रहा है, गैमेट्स, या आप कह सकते हैं युग्मक, इसे हिंदी में कहते हैं, ये आपके बन रहे हैं। फिर जब ये बन जाएंगे तब क्या होगा, अब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये क्या कहलाता है, सेकेंड इवेंट, फर्टिलाइजेशन। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जायगोट बन जाएगा, और जायगोट के बाद जो इवेंट होते हैं, जो भी आपकी प्रोसेस होती है, जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं, उनको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो आपका इंट्रोडक्शन था वो समझ में आया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इन तीनों फेजेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, गैमेट्स को डिस्कस करेंगे, कैसे गैमेट्स बनते हैं, कितनी तरह के निषेचन होते हैं, कैसे कैसे निषेचन होते हैं, है ना, फिर उसके निषेचन के बाद क्या होता है, आप क्या क्या समानताएँ हैं, क्या क्या विभिन्नताएँ हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स।